यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हुए हैं और बहुत ही ये आरामदायक, बहुत ही बढ़िया ये रूम्स बने हुए हैं। अभी हम आपको हॉल दिखाने के लिए ले चलते हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये जगह को अंदर भी लेके चलेंगे, उससे पहले हम आपको यहाँ पे ठहरने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं दमदमा साहब गुरुद्वारा साहब दिल्ली में। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में गुरुद्वारा साहब के इतिहास की, गुरुद्वारा साहब के लोकेशन की, यहाँ पे ठहरने की जो व्यवस्था है उसकी, और गुरु के लंगर के बारे में। तो गाइज, 1707 ईस्वी में 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी की और बहादुर शाह जफर की इस स्थान पे मुलाकात हुई थी। औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह जफर ने सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए, जो कि उसकी अपने भाई के साथ लड़ाई थी, उसके लिए गुरु साहब से मदद मांगी थी। और यही वो जगह है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर अपनी रणनीति तैयार की थी। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हुए हैं, उसी की याद में सरदार भगोल सिंह ने 1783 ईस्वी में यहाँ पे एक छोटे से गुरुद्वारे का निर्माण किया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारा साहब को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया था। यह गुरुद्वारा साहब बिल्कुल हुमायूं के मकबरे से सटा हुआ है और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी 500 से 600 मीटर दूर है। अभी हम आपको बाहर से दरबार साहब के दर्शन करा देते हैं, आपको अंदर भी लेके चलेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे ठहरने की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताते हैं, और जो लंगर की व्यवस्था है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। गाइज, ये जो आप हवा में झूलते निशान साहब देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए लगाया जाता था या लगाया जाता है कि जो काफ़ी दूर हो और उन्हें काफ़ी दूर से पता चल जाए कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहब हैं, हमें यहाँ पर रुकने के लिए और खाने के लिए अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ये आप लंगर हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त यहाँ पे आपको खाने के लिए मिले। अभी हम आपको हॉल दिखाने के लिए ले चलते हैं जहाँ पे आप निःशुल्क रह सकते हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गद्दे मिल जाएंगे। तो गाइस, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ कि अगर आपके पास कोई भी नशे की वस्तु है, जैसे बीड़ी पान, तंबाकू पान मसाला, या आपने किसी का नशे का सेवन किया हुआ है इन चीज़ों में भी, और किसी शराब वराब का भी अगर आपने सेवन किया हुआ है, तो आप गुरुद्वारा साहब के परिसर में नहीं आ सकते। इस बात का कृपया आप ध्यान रखें। अभी हम आपको जो एसी रूम्स है वो बाहर से दिखा देते हैं, जिनका कि 600 रुपीस चार्ज है। ये देख लीजिए, ये वो रूम्स बने हुए हैं जिनका 600 रुपीस आपसे चार्ज लिया जाएगा, और बहुत ही ये आरामदायक, बहुत ही बढ़िया ये रूम्स बने हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। और गाइस, गुरुद्वारा साहब में रुकने के लिए आपके पास कोई भी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे पहचान पत्र, कोई आधार कार्ड, आपके पास कुछ भी आपको अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी देनी होगी। ये आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लीजिए, हम अभी आपको गुरुद्वारा साहब के अंदर लेके चलेंगे, और वहाँ पे आप थोड़ा कीर्तन अगर सुनना चाहें तो आप कीर्तन सुन सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर कीर्तन यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा।